अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास जनरल मैथ का लेक्चर नंबर 18 है। क्वेश्चन है 3.1 का, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल प्राइस गिवन है आपको और प्रॉफिट गिवन है। पहले जो हमने किया था वहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन थी और प्रॉफिट होता था, अपने सेल प्राइस फाइंड करनी थी। यहाँ कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का फार्मूला होता है आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एक चीज़ जहन में रखनी है आपने कि फार्मूला यही रहेगा। इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, 100 में से लॉस माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज़ जब लिखेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस कितनी है, 672 रुपीज़, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 5%। ठीक है, ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे जब तो ये क्या आएगा आपके पास, 672 डिवाइडेड बाय 105। इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपके पास ₹640। ठीक है, यही आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, ₹851, और साथ में क्या दिया हुआ है, लॉस रुपीस हैं 851 और लॉस गिवन है, लॉस कितना है, 8%। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आपके पास वही यूज़ होगा। ठीक है, फार्मूला आएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसको करेंगे तो सेल प्राइस कितनी है आपकी, 851, 100 में से माइनस हमने क्या करना है, 8%। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 85100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 92। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लें या टू के टेबल पे कैंसिलेशन कर लें, इसके बाद आंसर क्या आएगा आपका, 925। ठीक है, ये भी क्या आएगा आपका, रुपीज़ में आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास सेल प्राइस है, सेल प्राइस आपकी रुपीज़ 1755 और प्रॉफिट है आपका 12×1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, फार्मूला वही लगेगा आपका, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर जब हम प्रॉफिट को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा, 12×1/2 है, विच इज़ इक्वल टू 25/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 12.5। ठीक हो गया, सेल 100 सेल प्राइस कितनी है डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट ऐड करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 175500 डिवाइडेड बाय 4th पार्ट है इसका। क्वेश्चन है आपके पास सेल प्राइस है 2640 और क्या है आपके पास, लॉस, लॉस कितना है, 12%। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला आपके पास वही लगेगा कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। ठीक है, प्लस नहीं है ये, माइनस है। जब आप सॉल्व करेंगे इसको
100 मल्टीप्लाइड बाय 26 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 26 40, साथ में टू जीरोस आ जाएंगे यानी 2,64,000। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 88। ठीक है, इसकी कैंसिलेशन करें आंसर आ जाएगा आपके पास ₹3,000। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट है, इसका सेल प्राइस है आपके पास ₹100 और प्रॉफिट है ₹33 × 1/2। ठीक है, पहले यहाँ पर प्रॉफिट को सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है 33 × 1/2 विच इज़ इक्वल टू 67/2। इसको करेंगे तो ये 33.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। सॉल्व करेंगे इसको, कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सेल प्राइस का आ गया, और 100 प्लस प्रॉफिट क्या है 33.5। सॉल्व करेंगे इसको तो 133.5 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ₹75। यही आंसर हो गया। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नीट कॉपी के ऊपर नोट करना है और इसकी रफ़ प्रैक्टिस भी करनी है, फार्मूलाज को जहन में रखना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।